Are you planning to visit Amritsar? तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में अमृतसर की आइटनरी के साथ साथ वहाँ का शॉपिंग, कल्चर, फूड, स्टे, इन सब की डिटेल्स एंड तक हमने प्रोवाइड की है. Do not miss any part of this video. अगर फिर भी आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन या डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, हम उन डाउट्स को जरूर क्लियर करने की कोशिश करेंगे. अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम अलग अलग जगह ट्रैवल करके वहाँ की आइटनरी और वीडियोस आप तक लाने की कोशिश करते हैं. तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपने अमृतसर के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो जाकर देखिए, क्योंकि हमने अलग अलग स्पॉट्स के अलग अलग डिटेल्ड वीडियोस बनाए हैं. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अमृतसर जो होली, गोल्डन टेम्पल और रिच कल्चरल हेरिटेज के लिए जाना जाता है, सिखिज्म का सबसे पवित्र स्थल हरमिंदर साहिब या गोल्डन टेम्पल एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन और स्पिरिचुअलिटी का सेंटर है. गुरुद्वारे का लंगर और खड़ा प्रसाद से शुरू होकर अमृतसर फूडीज के लिए एक स्वर्ग है, जो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन डिशेज के साथ साथ डिलीशियस स्वीट्स जो घी से भरी होती है ऑफर करता है. साइट सिंग और फूड के अलावा अमृतसर अटारी बॉर्डर का गेटवे भी है. हाउ टू रीच अमृतसर? नंबर वन, बाय रेल. अमृतसर रेलवे जंक्शन इज वेरी क्लोज टू अमृतसर सिटी, एंड इंडिया के बहुत सारे सिटीज से अमृतसर जंक्शन तक ट्रेन की कनेक्टिविटी है. नंबर टू, बाय बस. कोई टूर ऑपरेटर्स दिल्ली और अमृतसर के बीच बसेस चलाते हैं. नंबर थ्री, बाय फ्लाइट. अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजासांसी एयरपोर्ट जो गोल्डन टेम्पल से 13 किलोमीटर दूर है, वहां तक की फ्लाइट कर सकते हैं. बेस्ट सीजन टू विजिट अमृतसर. अमृतसर विजिट करने का बेस्ट सीजन है अक्टूबर टू मार्च के बीच में. इस समय वेदर काफी प्लेजेंट होता है, ना ज्यादा ठंडा और ना ही ज्यादा गर्मी. विंटर मंथ्स में स्पेशली दिसंबर और जनवरी में थोड़ी ठंड हो सकती है, बट ओवरऑल ये टाइम साइट सीइंग और गोल्डन टेम्पल विजिट करने के लिए परफेक्ट है. समर मंथ्स अप्रैल से जून तक काफी हॉट होता है, तो अवॉइड करना बेटर रहेगा. मॉनसून सीजन जुलाई से सितंबर तक होता है, बट बारिश की वजह से ट्रैवल थोड़ा इनकन्वीनियंट हो सकता है. अमृतसर के कुछ हाइलाइट्स है. नंबर वन, गोल्डन टेम्पल हरमिंदर साहिब, सिख रिलीजन का सबसे पवित्र स्थल जहां हर रोज हजारों लोग दर्शन करने आते हैं. नंबर टू, जलियांवाला बाग, हिस्टोरिकल गार्डन जहां 1919 में ब्रिटिश राज के टाइम पे एक भयानक मसाकर हुआ था. नंबर थ्री, वाघा बॉर्डर, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर जहां रोज शाम को फ्लैग लोअरिंग सेरेमनी होती है, जो काफी एनर्जेटिक एंड पेट्रियोटिक होती है. नंबर फोर, पंजाबी फूड. अमृतसरी कुलचा, मक्के दी रोटी और सरसों का साग और फेमस अमृतसरी मच्छी जरूर ट्राई करना. नंबर फाइव, पार्टीशन म्यूजियम. 1947 के पार्टीशन के समय की कहानियां और आर्टिफैक्ट्स आज भी यहां देखे जा सकते हैं. अमृतसर में वैसे तो अकोमोडेशन के लिए काफी अच्छी जगह है, लेकिन उनमें से कुछ बेस्ट प्लेसेस है. नंबर वन, ताज स्वर्ण. लग्जरी और कंफर्ट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मॉडर्न अमेनिटीज के साथ साथ एलिगेंट रूम्स भी ऑफर करता है. नंबर टू, हयात रिजेंसी. सिचुएटेड एट प्राइम लोकेशन, ये होटल अपस्किल फैसिलिटीज और एक्सीलेंट सर्विस प्रोवाइड करता है. नंबर थ्री, रमदा अमृतसर. हेरिटेज बिल्डिंग में बना हुआ ये होटल लग्जरी स्टे और ट्रेडिशनल पंजाबी हॉस्पिटैलिटी का एक्सपीरियंस देता है. हमने स्टे किया था होटल दी लैंडमार्क में, जो कि गोल्डन टेम्पल से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था. होटल काफी अच्छा और रीजनेबल था. फूड एंड सर्विस वॉज ऑल्सो गुड, सो यू कैन ट्राई दिस होटल एज वेल. ये सभी प्लेसेस स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है, और ये कंफर्टेबल स्टे देने के साथ साथ साइट सीइंग के लिए भी आपको कन्वीनियंट एक्सेस देता है. लेट्स टॉक अबाउट द आइटिनरी. सुबह जल्दी उठकर गोल्डन टेम्पल हरमिंदर साहिब जा सकते हैं. अर्ली मॉर्निंग के टाइम वहाँ का एटमॉस्फेयर काफी सरीन और पीसफुल होता है. टेम्पल के शानदार आर्किटेक्चर और सोने से सजे हुए मंदिर का दर्शन कर सकते हैं. सरोवर के पास बैठकर कुछ वक्त शांति से बिता सकते हैं. गोल्डन टेम्पल का लंगर वर्ल्ड फेमस है. यहाँ पर हर रोज हजारों लोग बिना किसी भेदभाव के खाना खाते हैं. लंगर हॉल में वॉलंटियर करके सेवा का अनुभव भी कर सकते हैं. ये एक यूनिक और सोल सैटिस्फाइंग एक्सपीरियंस होता है. गोल्डन टेम्पल से कुछ ही दूरी पे जलियांवाला बाग है. ये हिस्टोरिक गार्डन 1919 के जलियांवाला बाग मसाकर की याद दिलाता है. यहाँ पर आप शहीदों की याद में बनी मेमोरियल देख सकते हैं और उनके बलिदान को याद कर सकते हैं. शहीदों का मेमोरियल और बुलेट मार्क्स देखना एक इमोशनल एक्सपीरियंस होता है. लंच के बाद थोड़ा शॉपिंग के लिए निकल सकते हैं.
हॉल बाजार और कतरा जयमाल सिंह बाजार जैसे फेमस मार्केट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ से ट्रेडिशनल पंजाबी जुत्तीज, फुलकारीज, दुपट्टाज, हैंडीक्राफ्ट और सुवेनियर्स ले सकते हैं। शाम को अमृतसर का फेमस स्ट्रीट फूड ट्राई करना ना भूलें। कुलचा लैंड, जियानी टी स्टॉल एंड बंसल स्वीट जैसे प्लेसेस पर जाकर चाट, गोलगप्पे और अमृतसरी फिश फ्राई का आनंद लीजिए। शाम को वापस गोल्डन टेम्पल जा सकते हैं। रात के टाइम मंदिर की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है जब ये रोशनी से जगमगाता है। गोल्डन टेम्पल के नाइट व्यू को एंजॉय करने के बाद आप आपके होटल या एकोमोडेशन पर जाकर रेस्ट कर सकते हैं और पूरे दिन के एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करते हुए अच्छी मेमोरीज और कुछ अच्छे फोटोज के साथ रिलैक्स करिए। सुबह अपने दिन की शुरुआत श्री दुर्गियाना टेम्पल से करें, जो गोल्डन टेम्पल की तरह एक सरोवर के बीच में बना है। ये टेम्पल हिंदू डिवोटीज के लिए काफी सिग्निफिकेंट है और यहाँ आपको स्पिरिचुअल ट्रैंक्विलिटी का एक्सपीरियंस मिलेगा। इस टेम्पल का आर्किटेक्चर भी काफी इम्प्रेसिव है, जो मुगल और सिख स्टाइल्स का ब्लेंड है। श्री दुर्गियाना मंदिर के बाद आप माता लाल देवी मंदिर जा सकते हैं। ये मंदिर शीश महल के नाम से भी जाना जाता है और अपनी कलरफुल और वाइब्रेंट इंटीरियर्स के लिए फेमस है। इस मंदिर का स्ट्रक्चर और अंदर के वाइब्रेंट कलर्स आपको एक डिफरेंट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस देंगे। आप यहाँ 1 से 2 घंटा स्पेंड कर सकते हैं। माता लाल देवी मंदिर के बाद आप लंच के लिए किसी ऑथेंटिक पंजाबी ढाबा या रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। लंच के बाद आप वाघा बॉर्डर के लिए निकल सकते हैं। अमृतसर से ये अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर दूर है और बॉर्डर पर होने वाली इवनिंग परेड एक मस्ट सी अट्रैक्शन है। ये परेड हर शाम 4:30 से 5:30 के बीच होती है। परेड के लिए जल्दी पहुंचना बेटर होगा ताकि आपको अच्छी सीट मिल सके। ये परेड इंडिया और पाकिस्तान के सोल्जर्स के बीच एक रिट्रीट ड्रिल होती है, जो काफी एनर्जेटिक और पेट्रियोटिक होती है। यहाँ आपको 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है। वाघा बॉर्डर परेड के बाद आप वापस अपने होटल के पास आकर स्नैक्स और डिनर के लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं। अमृतसर का स्ट्रीट फूड काफी फेमस है और आप यहाँ के लोकल डेलिकेसीज डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठ के श्री राम तीर्थ मंदिर जाने का प्लान बनाइए। ये मंदिर सिटी से थोड़े किलोमीटर दूर है और रामायण की कथाओं से जुड़ा हुआ है। इट इज बिलीव टू बी दी आश्रम ऑफ महर्षि वाल्मीकि, जहाँ सीता जी ने लव कुश को जन्म दिया था। श्री राम तीर्थ मंदिर से लौटने के बाद आप लंच कर सकते हैं। लंच के बाद दोपहर में गोविंदगढ़ फोर्ट विजिट कीजिए। ये हिस्टोरिक फोर्ट महाराजा रंजीत सिंह ने बनवाया था। अब ये एक सेंट्रल हब बन चुका है, जहां आपको पंजाबी कल्चर, 7D शो और म्यूजियम देखने को मिलेगा। फोर्ट के बाद आप पार्टीशन म्यूजियम विजिट कर सकते हैं। ये म्यूजियम 1947 के पार्टीशन का पेनफुल हिस्ट्री को शोकेस करता है। स्टोरीज और एग्जिबिट्स देखकर आपको उस वक्त की कहानियां समझ आएंगी। म्यूजियम के बाद शाम को शॉपिंग कर सकते हैं और होटल में भी रिलैक्स कर सकते हैं। अमृतसर में शॉपिंग के लिए काफी फेमस प्लेसेस हैं। यहाँ से ऑथेंटिक पंजाबी आइटम्स खरीद सकते हैं। पहला, हॉल बाजार, ट्रेडिशनल पंजाबी जुत्तीज, फुलकारी, दुपट्टा एंड हैंडीक्राफ्ट्स। दूसरा, कतरा जयमाल सिंह बाजार, डिजाइनर सूट्स और एथनिक वेयर। तीसरा, गुरु बाजार, गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी। चौथा, लॉरेंस रोड, ब्रांडेड क्लोथ्स और मॉडर्न शॉप्स। अमृतसर इज हेवन फॉर फूडीज। देयर आर मेनी प्लेसेस टू ईट। सम ऑफ देम आर केसर दा ढाबा। यहां के अमृतसरी कुलचे, छोले भटूरे और लस्सी वर्ल्ड फेमस है। और हाँ, यहाँ का स्पेशल दाल मखनी खाना मत भूलना, जो 12 घंटे तक पकती है। भारवा दा ढाबा, ये प्लेस ट्रेडिशनल पंजाबी थाली सर्व करता है। लस्सी और पराठे यहाँ के स्पेशल आइटम्स है। कुलचा लैंड, अमृतसरी कुलचे और छोले का ऑथेंटिक टेस्ट ट्राई करने के लिए आप कुलचा लैंड जा सकते हैं। क्रिस्टल रेस्टोरेंट, हाई एंड डाइनिंग एक्सपीरियंस के लिए परफेक्ट प्लेस है। पंजाबी कुजीन के साथ साथ यहाँ कॉन्टिनेंटल डिशेज भी सर्व होती है। बीरा चिकन हाउस, नॉन वेजिटेरियन फूड लवर्स के लिए हेवन। तंदूरी चिकन और फिश फ्राई यहाँ की स्पेशलिटी है, ट्राई करना बिल्कुल मत भूलना। फ्यू टिप्स टू मेक योर ट्रैवल कंफर्टेबल एंड हैसल फ्री। कंफर्टेबल शूज पहने, क्योंकि काफी वॉकिंग होती है। लोकल गाइड्स या ऑडियो गाइड्स का यूज करें, ताकि हिस्टोरिकल साइट्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। पुराने अमृतसर के नैरो लेन्स का एक्सपीरियंस रिक्शा राइड से लीजिए, ये एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस होगा। So, आज की इस आइटनरी में आपको अमृतसर के कुछ बेस्ट कल्चरल, स्पिरिचुअल और कलिनरी एक्सपीरियंस मिले होंगे। गोल्डन टेम्पल, दुर्गियाना मंदिर और लाल माता मंदिर के स्पिरिचुअलिटी से लेकर जलियांवाला बाग और वाघा बॉर्डर के पेट्रियोटिक एनर्जी एंड अमृतसर के ऑथेंटिक कुजीन का टेस्ट,
ये सब आपका जो अमृतसर ट्रिप है वो मेमोरेबल बना देगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लेट अस नो योर फीडबैक एंड क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।